अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 11th लेक्चर। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक पेज नंबर 5। यूनिट नंबर 4 नाउंस। हमारे आज टॉपिक का नेम है नाउंस। नाउंस होते क्या हैं? नाउन इज अ वर्ड डैट इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वो वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें हम किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का जहाँ पे जिक्र हो वो नाउंस होते हैं। वो वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउंस। लेट्स फाइंड द नाउंस यूज इन द पिक्चर। अब हमने ये नाउंस देखने हैं इस पिक्चर में कौन कौन से हैं। ये पर्सन जो है, किसी भी शख्स की बात हो रही हो वो पर्सन होता है, ठीक है, वहाँ पे हम पर्सन लिखेंगे। किसी भी जगह की बात हो वो प्लेस होता है। किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं? थिंक कहते हैं। कलर द रॉन्ग स्टेटमेंट रेड। अब उन्होंने कहा हमने रेड कलर करना है जो उनसे स्टेटमेंट गलत है। स्कूल इज़ अ प्लेस। स्कूल एक जगह है, बिल्कुल ठीक है, स्कूल एक जगह ही है। स्कूल को हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल इज़ अ थिंग। डैड इज़ अ प्लेस। डैड इज़ अ प्लेस नहीं है, डैड इज़ अ पर्सन। डैड जो है एक शख्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे पर्सन लिखेंगे, प्लेस नहीं लिखेंगे, गलत है, इसलिए हम इसको रेड कलर करेंगे। बुक इज़ अ थिंग, ठीक है, बुक एक चीज़ है। बॉय इज़ अ थिंग, रॉन्ग। बॉय जो है एक चीज़ नहीं है, बॉय इज़ अ पर्सन। पार्क इज़ अ पर्सन। पार्क एक पर्सन है? नो, पार्क जो है वो एक प्लेस है, पार्क एक जगह है, ठीक है। मॉम इज़ अ पर्सन, ये स्टेटमेंट ठीक है। जो से स्टेटमेंट गलत है हमने उनको क्या किया है? रेड कलर किया। पेज नंबर 5 पे आ जाएं। पर्सन, प्लेस और थिंक, हमने इन स्टेटमेंट में, इन सेंटेंसेस में लिखना है जहाँ पे पर्सन आएगा, जहाँ थिंक आएगा, जहाँ प्लेस आएगा। हु इज़ दिस? हु का मतलब क्या है? कौन। उन्होंने कहा ये कौन है? दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है। द बॉय इज़ अ पर्सन। बॉय एक क्या है? पर्सन है। हम यहाँ प्लेस नहीं लिख सकते, हम ये नहीं कह सकते द बॉय इज़ अ प्लेस, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? दिस इज़ अ लैम्प, ये एक लैम्प है। द लैम्प इज़ अ डैश। लैम्प क्या होती है? एक चीज़ है। लैम्प इज़ अ थिंग। वेयर आर वी? वेयर का मतलब है कहाँ। हम कहाँ हैं? वी हम कहाँ हैं? वी आर इन अ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग में हैं। द बिल्डिंग इज़ अ प्लेस। बिल्डिंग जो है एक जगह है, ठीक है। हु इज़ शी? ये कौन है? शी इज़ अ टीचर, ये टीचर हैं। टीचर इज़ अ पर्सन। टीचर क्या होता है? एक पर्सन है, ठीक है। वेयर आर वी गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट में जा रहे हैं, हम बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट जो है वो एक प्लेस है, तो हम द मार्केट इज़ अ प्लेस, हम यहाँ प्लेस लिखेंगे। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? दिस इज़ अ टॉय, ये एक टॉय है, ठीक है। द टॉय इज़ अ थिंग। टॉय जो है एक चीज़ है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आएँ। सी द नाउंस एंड राइट इफ इट इज़ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। अब उन्होंने कहा अब आप ये नाउंस देखें और इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखें। अगर ये पर्सन है पर्सन लिखें, थिंग है थिंग लिखें, ठीक है। अब हमने देखना है जग। जग क्या है? एक चीज़ है, थिंग है, तो हमने इसके नीचे क्या राइट करना है? थिंग। टेलीविजन, टीवी जो है वो भी एक थिंग है। हॉस्पिटल प्लेस है। जू भी एक प्लेस है। चिड़ियाघर देखें जगह है ना, जू प्लेस है। डॉक्टर पर्सन है। ग्रैंडफादर भी पर्सन है। रोड, रोड भी जगह है, प्लेस है। चेयर भी थिंग है। टीचर भी पर्सन है। स्टूडेंट्स, आपने ये 3 पेजेस अपने बुक पे लिखने हैं, ग्रामर बुक पे, और इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग के। और ये जग, टेलीविजन, हॉस्पिटल, ये आपने डिक्टेशन के तौर पे आपने ये याद करने हैं स्पेलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स।